गुड मॉर्निंग, कंप्यूटर फंडामेंटल में मैं मोहम्मद बारमा आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी द इनपुट डिवाइसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आपको तो मालूम है ही आती है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, और भी है, जॉयस्टिक है। तो सभी का जो वेरिएशंस आता है, किसको कब कहाँ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में हम सब आगे के वीडियोस में, रिसेंट जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसमें हम बात करेंगे। तो आज का तो जो वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट द कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या है वो हम देखते हैं। तो कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विथ अ कंप्यूटर। कोई भी आप कंप्यूटर ले लो, वेदर इट इज़ अ स्मॉल वन और अ लार्ज वन, ठीक है, वेदर इट इज़ अ डम टर्मिनल, टर्मिनल और कुछ भी आप बोल दो, उसमें कीबोर्ड तो रिक्वायर्ड है। विदाउट कीबोर्ड हम कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते। अब माउस की जो रिक्वायरमेंट है वो आगे हम बात करेंगे भाई, वो प्राइमरी में हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइस है जैसे कि हम एटीएम मशीन जिसे हम बोलते हैं, तो एटीएम मशीन में माउस और टच दोनों आता है, पॉइंटर नहीं आता। लेकिन जब हम पीएनआर स्टेशन, रेलवे की जो टिकट होती है उसमें जो पीएनआर नंबर हमारा जो आता है उसमें, और सिर्फ क्या क्या आता है, हमारा कीपैड ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड इज़ द प्राइमरी डिवाइस। जो कीबोर्ड होता है वो बेसिकली हमारा जो पुराना टाइपराइटर था या फिर नया वाला इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आता है उसके जैसे कीबोर्ड लेआउट्स होते हैं, और उस लेआउट को हम कह सकते हैं QWERTY कीबोर्ड। और वो जो डेवलप हुआ था लैथम सोल्स नाम के एक जो इन्वेंटर था उसने डेवलप किया था। मॉडर्न कीबोर्ड्स आज की डेट में काफ़ी सारे वेरिएशंस में आपको अवेलेबल हो गए, जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएशंस यहाँ पे दिए हुए, एक डेवरॉक और जुकिन का दिया हुआ है, और तीसरा जी यहाँ पे जो है वो हमारा एक्चुअल में है QWERTY। अब ये QWERTY क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कीबोर्ड की यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होती है ना उसे देखिए आप, QWERTY, इसलिए इसको ये लेआउट बोला जाता है। अब कनेक्शन की जो अगर हम बात करें तो उसमें दो टाइप के बेसिकली कनेक्टर्स आते थे पहले के समय में। एक आता था USB जो आज की डेट में सभी कीबोर्ड्स में आता है, और PS2 कनेक्शन जो काफ़ी कम कीबोर्ड्स में अवेलेबल होता है आज की डेट में। PS2 कनेक्शन के पहले जो था वो होता था सीरियल कनेक्शन, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कहा था, उसे हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो कम्प्लीटली आउटडेटेड है, कहीं भी आज की डेट में वो यूज़ किया नहीं जाता है। तो दो टाइप्स के आज के डेट में कनेक्शन अवेलेबल है, द फर्स्ट वन इज़ द USB एंड अनदर वन इज़ द PS2। अब यहाँ पे जो ब्लैक कीबोर्ड की जो इमेज दी है वो नॉर्मल कीबोर्ड लेआउट है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट कहा जाता है 104 कीज का, उसका मैंने एक यहाँ पे छोटा सा इमेज नेट में से सर्च करके रखा हुआ है, उसमें सभी बेसिक जो कीज है वो आ जाती है। अब ये लेआउट कीबोर्ड बाय कीबोर्ड थोड़ा बहुत कंपनी वाइज चेंज हो सकता है, मतलब कि किसी की एंटर की छोटी हो सकती है, किसी की एंटर की बड़ी हो सकती है, किसी में विंडो बटन यहाँ पे जो है आइकॉन, विंडो आइकॉन दोनों साइड होता है, किसी में वन साइड होता है, किसी में एरोस की छोटी बड़ी होती है, यहाँ पे जो होम पेज इंसर्ट पेज डाउन है वो कहीं और जगह पे हो सकता है। लेआउट थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन कीज़ थोड़ी ऑलमोस्ट आप कहो ना तो इतनी की इतनी रहती है। अब कौन सी कीज़ को क्या बोला जाता है वो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब कि कंट्रोल्स की क्या, मतलब कि एस्केप बटन आता है, प्रिंट स्क्रीन आता है, स्क्रॉल लॉक आता है, पॉज ब्रेक आता है, कंट्रोल की, अल्टर की, और यहाँ भी साइड में भी कंट्रोल की, अल्टर की और माउस की, राइट क्लिक की, विंडोज़ फंक्शन की, ये सब हम कंट्रोल्स की बोलेंगे। फंक्शंस की मतलब कि F1, F2, F3 आपकी की लैपटॉप में भी जो आता है, ठीक है, उसे F12 तक की जो सब कीज होते हैं उसे हम फंक्शंस की बोलेंगे। बाद में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, दैट ऑल कैन बी कॉल्ड एज अ टाइपिंग और अल्फा न्यूमेरिक कीज। बाद में नेविगेशन की मतलब कि एरोस की ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है, पूरा पेज हमें स्क्रॉल करना है, तो वो हम नेविगेशन की बोल सकते हैं। नम कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड मतलब कि ये राइट हैंड साइड आपको पूरा, अगर कैलकुलेटर स्पेशली, कैलकुलेटर जब आप ऑपरेट करते हो तो उसके लिए क्विक जो फिंगर्स मूवमेंट होनी चाहिए उसके लिए ये बनाया गया है पूरा डिज़ाइन। और बाद में इंडिकेटर कीज, यहाँ पे तीन LED स्टैंडर्ड में आती है, एक आती है स्क्रॉल की, दूसरी आती है कैप्स लॉक की, और तीसरी आती है नम लॉक की। यहाँ पे नम लॉक मतलब कि ये कीपैड आपको अनेबल रखना है, या न्यूमेरिक कीपैड अनेबल रखना है, या फिर डिसेबल रखना है। तो ये बेसिक कीबोर्ड का पूरा जो होता है वो हमारा लेआउट होता है। नेक्स्ट में जो अभी मैंने सब एक्सप्लेन किया था कौन से कीबोर्ड में जो कहाँ पे आते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट कीज़ में A to Z आता है,
न्यूमेरिक कीज में हमारे स्लाइड के जो नंबर्स आते हैं, स्पेशल्स कीज में हमारे स्पेस बार, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, शिफ्ट की, एंटर की और सिंबल्स की जो सब आती है वो, ठीक है। फंक्शंस कीज में F1 से ले से F12 सभी बटन्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है, मतलब कि विंडोज स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल स्क्रीन जब हमारे डेस्कटॉप या कोई भी एक स्क्रीन ओपन होती है तब आप अगर F1 प्रेस करो तो विंडोज़ की हेल्प खुल जाती है, कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर अभी ओपन किया हुआ है और तब आप F1 प्रेस करोगे तो उस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प ओपन जा हो जाती है। मतलब कि अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हो इट इज़ बीन क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूँगा तो पावर पॉइंट की विंडो इनबिल्ट जो डिफॉल्ट हेल्प आती है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। F3 जनरली सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, F2 जनरली रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है, नेविगेशन कीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रीवियस स्क्रीन में एक्सप्लेन की, एरोज़ की, होम, एंड, कंट्रोल, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इस आप सबको नेविगेशन की बोल सकते हैं। अब दिस नेक्स्ट में क्या आया, नो जो मैंने वो पहले एक्सप्लेन किया था दैट इज एन स्टैंडर्ड लेआउट दैट इज बीन यूज्ड इन अवर इंडिया, लेकिन अदर देन इंडिया अगर किसी कंट्रीज में आप जाते हो तो कुछ आपको कीबोर्ड लेआउट में वेरिएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा QWERTY जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें कुछ चेंज आता है, यहाँ पे आ जाता है AZERTY, मतलब कि कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दिखेंगे। ये पूरा कीबोर्ड लेआउट मैंने यहाँ पे नहीं दिया, बेसिक कीबोर्ड लेआउट ही दिया है क्योंकि जो चेंज होता है वो यहीं पे, क्योंकि ज़्यादातर हम कौन सा एरिया यूज़ करते हैं, ये की अल्फा न्यूमेरिक की पे, तो ये एक लेआउट है। सेकंड लेआउट जो आता है ये वाला डोरेक वाला, ये जो बंदा था ऑगस्ट डेवरप उसने उसके नाम से ही 1936 में ये लेआउट इंट्रोड्यूस किया था। थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी गया था लेकिन इतना नहीं चला था क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये वाले 4-3 बटन्स कंप्लीटली और बटन्स हो जाते हैं और हमें यूज़ करने में काफ़ी इसको दिक्कत आती है। नेक्स्ट में ये आता है QWERTY, यहाँ पे जो वाई आता है उसकी जगह पे हमारा जेड आ जाते हैं, यहाँ पे एट द रेट, रुपीज़ और पाउंड की साइंस आप कह सकते हो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और ये जो है रशियन वाला है, ठीक है, रशियन में तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे ABCD जो आते हैं वैसे नहीं होते, कम्प्लीटली एक अलग ही लेआउट उन लोगों का होता है, तो वो क्वीज़ उन लोगों के लिए यूजलेस होती है। तो वो इन लोगों ने एक अलग खुद का पूरा लेआउट बाद में बनाया, ठीक है, रशिया वालों ने। और ये जो सब मैंने, ये भी इंग्लिश लेआउट है, ये भी इंग्लिश लेआउट है और ये भी इंग्लिश लेआउट है, तीन इंग्लिश लेआउट है अदर देन रशियन। अब ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, जहाँ तक मैंने एक दो वेबसाइट में पढ़ा था और कुछ रेफरेंस बुक मैंने जो पढ़ी है अपने स्टडीज़ के टाइम, तब मैंने देखा था कि जो ये QWERTY लेआउट है वो इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ है क्योंकि उसका जो अल्फाबेटिकल जो अरेंजमेंट है, मतलब कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, वो टाइपिंग स्पीड हमारी इंक्रीज कर देता है। अब कैसे वो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो वो पूरा इंग्लिश में इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि एट अ टाइम हमारा लेफ्ट हैंड में जब कोई भी की प्रेस करते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा राइट हैंड से प्रेस हो, समझे आप। जब भी कोई भी हम इंग्लिश का वर्ड टाइप करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमारा कोई भी एक अल्फाबेट एक हैंड से प्रेस हो रहा है तो दूसरा अल्फाबेट हमारा सेकंड हैंड से प्रेस हो, क्योंकि हम हमारी जो की फिंगर्स होती है उसे हम क्विकली नेक्स्ट इन बटन के लिए, मतलब कि नेक्स्ट अल्फाबेट तक ले जा सकते हैं और इमीडिएटली उसे प्रेस कर सकते हैं, तो हमारी जो टाइपिंग स्पीड होती है ना वो क्विक हो जाती है। आप समझो कि आप बनाना अगर वो टाइप करो तो पूरा का पूरा बनाना आता है लेफ्ट हैंड पे, BAN सॉरी बनाना में एन जो आता है वो राइट हैंड पे आ जाता है, जैसे कि ETC मतलब कि EB लेफ्ट हैंड में आता है, TB लेफ्ट हैंड में आता है, CB लेफ्ट हैंड में आता है, तो उसे आप जब टाइप करते हो तो उसका जो हमारे फिंगर्स को उस अल्फाबेट पे ले जाने का जो टाइम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक ई है लेफ्ट पे आता है, टी है राइट पे आता है, सी है वापस लेफ्ट पे आता है, तो हमारी जो फिंगर्स मूव होनी चाहिए वो क्विकली हम मूव कर पाते, इसलिए ये जो QWERTY वाली लेआउट है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। चलो यहाँ रशियन तक का हमने देख लिया था कि वो 1917 में वो डेवलप हुआ था वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे अगर हम बात करें तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली सभी कीबोर्ड्स में जो यूज़ होती है, द फर्स्ट वन इज़ द मेमरन। अब मेमरन कीबोर्ड जो आपको वो फोल्डेबल कीबोर्ड आज की डेट में आपने कहीं देखा होता है,
वो पूरा फोल्ड करके अगर आपको पॉकेट में रखना है तो आप पॉकेट में रख सकते हो। देखा होगा आपने यूट्यूब में काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज में, थेट कोलन मेम्ब्रेन कीबोर्ड, उसमें एक प्लास्टिक का छोटा सा थीन आता है, पूरी एक प्लास्टिक शीट आती है, और प्लास्टिक शीट जब आप छोटे छोटे नीचे कार्बन होते हैं उसके डॉट्स होते हैं, जब हम ऊपर से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो प्लास्टिक प्रेस होता है, और नीचे जो कार्बन होता है वो सर्किट को टच करके सिग्नल प्रेस करता है, ठीक है। तो उस मुताबिक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। सेकेंडली आता है मैकेनिकल कीबोर्ड, तो मैकेनिकल कीबोर्ड में जो प्लास्टिक सीट आती है हर की के नीचे, पूरी शीट होती है हमारे कीबोर्ड के नीचे, पूरी की पूरी एक प्लास्टिक शीट होती है, वो नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल की एक स्प्रिंग होती है। अब स्प्रिंग का जो लाइफ स्पान होता है वो ज़्यादा होता है मैकेनिकल कीबोर्ड का, और स्मूथ होती है ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेवल पे। नए कीबोर्ड जब आप परचेस करते हो मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ठीक है, जो प्लास्टिक होता है अप टू सम लाइफ स्पान वो स्मूथ होता है, लेकिन एक समय जाने के बाद वो प्लास्टिक थोड़ा हार्ड हो जाता है, तब आपको लगता है कि भाई मेरे बटन जो थोड़े हार्ड हो गए, फिंगर्स पे ज़्यादा मुझे प्रेस करके बटन को प्रेस करना पड़ता है, थक जाती है हमारी फिंगर्स ज़्यादा जब टाइप करना होता है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक वो आपकी जो स्मूथनेस होती है कीबोर्ड की वो वैसे की वैसे ही रहती है मैकेनिकल कीबोर्ड में। जैसे कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कीबोर्ड है मैकेनिकल में वो TVS है, TVS कीबोर्ड। अब यहाँ पे जो इनसाइड कीबोर्ड जो दो लगा जगह पे लिखा हुआ है, ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर पाओगे, ठीक है, और उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड क्या है और कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकली जब देखोगे ना तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हमारे जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और अगर हम एग्जांपल दें तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया है फोटोकॉपियर है, माइक्रोवेव है, स्मॉल अप्लायंसेस है, जैसे कि आज के जो विंडो AC आते हैं उसमें जो टच बटन देते हैं, या फिर टेलीविज़न में साइड में कहीं आपको प्रेस छोटे छोटे बटन्स मिलते हैं, माइक्रोवेव में तो 100% आपने देखा ही होगा, वो सब जो होते हैं वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। उसमें एक अपर लेयर होता है जो हमें दिखता है, लेबल बटन्स, बीच में प्लास्टिक का सीट होता है, उसके बॉटम में छोटी छोटी कार्बन्स होती है, और नीचे एक्चुअल में हमारी पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। जैसे हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो जो प्लास्टिक होता है वो भी प्रेस होता है, और हमारी जो सर्किट होती है वो एक्टिव हो जाती है, मतलब कि कौन सा बटन हमने प्रेस किया है उसे वो मालूम हो जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे आपको नेट पे वीडियोस मिल जाएंगे, अगर एक बार आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपको इसमें ये वीडियो कवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली कीबोर्ड क्या है वो हमें समझना है। नेक्स्ट में जो लास्ट आता है दैट इज एन लेजर कीबोर्ड, ये नई टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्क करता है उसका भी ये लिंक है, हाउ इट्स वर्क, उसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। यूट्यूब का ये मेरे खुद का नहीं है, ठीक है, किसी और ने बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा है, आप समझ पाओगे कि हम जो की चेन यूज़ करते हैं उस वैसा ही एक पूरी लेज़र टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा डिवाइस आता है, समझ लो आपकी माउस जितना एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसमें से लेज़र निकलती है और हमारे किसी भी फ्लैट एरिया पे, कोई भी फ्लैट एरिया पे, इट कैन बी अ फ्लोर और अ टेबल और सिंपल अ पेड, किसी भी फ्लैट एरिया पे आप पूरा जो कीबोर्ड है ऑपरेट कर पाते हो। इवन ये स्पेशली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें मोबाइल में कीबोर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये जो वीडियो दिया है वो वैसा ही दिया है, मतलब कि मान लो कि आपका मोबाइल में काफ़ी सारा टाइपिंग करना रहता है मोबाइल में, ठीक है, मतलब कि शीट आप बना रहे हो पूरी एक्सेल शीट, आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आप पूरा लंबा लंबा मैसेज टाइप करना है तो आप मोबाइल में आप ये लेजर कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बस ये था थोड़ा बहुत वेरिएशंस, काफ़ी सारे और भी कीबोर्ड्स आते हैं, गेमिंग कीबोर्ड्स भी आज की डेट में का एक डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादातर WASD कीबोर्ड्स ही हम की लेआउट से यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको उतनी कीज अवेलेबल होती है, बाकी की कीज आपके लिए रिस्क का कंसर्न होती है। तो आपको छोटा कॉम्पैक्ट कीबोर्ड वो गेमिंग का भी आता है, बाद में मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आता है, मतलब कि उसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग या फिर नेक्स्ट ऑडियो वीडियो करना है, म्यूट करना है तो उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड का बोलते हैं, ईमेल करना है तो आपका डिफॉल्ट ईमेल का जो एप्लीकेशन हो जाता है वो ओपन हो जाता है। काफ़ी सारे वेरिएशंस काफ़ी सारे आज के डेट्स में अवेलेबल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है मतलब कि
उतनी कीज तो चाहिए चाहिए और चाहिए, मतलब कि वो कितनी, जो मैंने सबसे पहले 104 कीज का एक लेआउट आपको यहाँ पे जो बताया है ये वाला, इतनी कीज तो आपको पूरे वर्क करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। एडिशनल कीज हो या ना हो, डिपेंडिंग अवर ऑन अवर सिलेक्शन एंड अवर रिक्वायरमेंट। तो बस इतना ही आज का वीडियो रिलेटेड टू द कीबोर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द माउस, ठीक है। और चैनल्स को सब्सक्राइब द बेल आइकॉन करना है आपको, तभी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।